बिल राज अलग हो, अब मानो राज है। बिल राज अलग हो, अब मानो राज है। प्रशासन अगर सहयोग करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सोमलाल जी चौधरी थाने एसी मोर्चा रहते बड़े लड़को बोल भी अरे कैंटीन है दियोड़ी एप्लीकेशन ना दे एरिया में लग अवैध रूप से बिस्तर लाग रहा है स्टैंडर्ड अवैध रूप से एप्लीकेशन दे दी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अवैध रूप से एप्लीकेशन बहुत दी हो रही है। तो भाई आओ कैंटीन में तो अपने जो टेंडर करके दे रखी है और कई टेंडर भी कोई नहीं अवैध रूप से चल रही है। पहली बात तो वो जैसे वगैरह का तो सिक्योरिटी वालों मैंने कहा टाइम टाइम चेक करें उनको। सिक्योरिटी सब मिली हुई है साहब, कितनी बार एप्लीकेशन दे दे सिक्योरिटी वाला अंदर देवे टेंडर वाला ऑफिस तक मिल लो डाय ऑफिस वाला देवे नहीं दे मैं तो कौन लगा रही अंदर और एप्लीकेशन कितनी बार दी। पहले राज अलग हो, अब मानो राज है। वो राज अलग हो, राजनीति का हुआ सोचा ने मुझे जीता है और जनता की सरकार है। वो कांग्रेस में चाल की हो जो था किस तरह। अब मैं थाना आदमी यहाँ एकदम जान के घर रो बच्चों हूँ एकदम हमारे घर रहो न तो किसी ठेके के पक्ष में हूँ न किसी कमीशन के। तो एक तो बीकानेर जिला अस्पताल में वो एक्सरे मशीन को लेके था, यहाँ की कुछ छोटी मोटी अव्यवस्थाओं के बारे में था। तो आज अधीक्षक जी और प्रिंसिपल साहब से मिलने आया मैं और इन्होंने भी सुधार करने का और एक्सरे मशीन तुरंत वहाँ लगाने का आश्वासन दिया है और ये भी मैंने तय किया है कि अगर उसमें आनाकानी होगी तो फिर सरकार या और कोई भी जो होगा मुझे वो काम तो कराना पड़ेगा। हाँ सोनोग्राफी के लिए भी इन्होंने कहा है कि कोई भी कभार छुट्टी बाद होता बाकी नहीं होता, बाकी फिर हम देखेंगे होगा तो फिर इनसे कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था हो कि सोनोग्राफी क्योंकि कई बार होता है तुरंत रिपोर्ट चाहिए। प्रशासन अगर सहयोग करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका भी नाम होगा और जनता का काम होगा और मेरा भी जो मैंने संकल्प लिया वो भी पूरा होगा।